आज मैं जाने वाला हूँ ब्लड डोनेट करने। मारेंगो एशिया हॉस्पिटल, ये भाई फरीदाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है, और बोले विपिन भाई गाड़ी करती है पार्क। अब हमारी माता जी आ रही है, वो बताएंगे हमें कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही तुम्हारे सीनू भाई के घर से, यानी कि मेरे घर से। तो भाइयों, आज का कंटेंट कुछ इस प्रकार का है कि आज मैं जाने वाला हूँ ब्लड डोनेट करने। ब्लड डोनेट करने मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो विपिन भाई की बहन है ना, वो देहरादून में रहती थी, तो उनका ना ऑपरेशन है लीवर ट्रांसप्लांट का, तो उनका हो रहा है लीवर ट्रांसप्लांट, तो लीवर तो उनकी मम्मी दे रही है क्योंकि उनसे मैच हो गया है वो, और इसलिए लीवर का खर्चा बच गया। किसी कोई डोनर अच्छी बात है यार, किसी का लीवर नहीं जा रहा, खैर घर से ही जा रहा है तो अच्छी बात है कि उनकी मम्मी का लीवर मैच हो गया। तो इसी के साथ भाइयों, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को पता है ऑपरेशन में कितना ब्लड निकल जाता है, बहुत ब्लड निकलता है भाई, इसलिए ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी तो विपिन भाई की मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि ऐसे ऐसे ब्लड की ज़रूरत है तो आ जाओ। तो मैं और विपिन भाई तो अभी जा रहे हैं, और बारिश तो तुम्हें पता ही भाई सावन में कितनी हो रही है भाई, हमारे यहाँ तो बहुत पानी भर रहा है, बट जैसे तैसे जाएंगे क्योंकि जाना तो पड़ेगा। तो चलते हैं भाइयों, विपिन भाई आ रहे हैं, विपिन भाई से मिलवाते हैं, फिर अपने यहाँ का माहौल भी दिखाते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि लेट भी नहीं होना ना। मिलते हैं भाई, चलते हैं, विपिन भाई से भी मिलवाते हैं और रास्ते को भी दिखाते हैं आपके। फाइनली विपिन भाई आ गए, सरी बाजार की कहानी बता रहे हैं। क्या हो रहा है भाई सरी बाजार में? यार बंदे तैर रहे हैं बांध में, इतनी गाड़ी डूबोगे ना, होगी पूरी। तो भाई मिलते हैं, जल्दी निकलते हैं घर से। तो भाई सावन में ऐसा जादू हो रखा है हमारे भोलेनाथ बाबा का कि क्या ही बताऊँ, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ मिल रही है। और तुम मानो नहीं, कल भी बारिश हुई थी और आज भी देखो कितनी घमासान बारिश हुई है भाई, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। और तुम्हें अभी भाई क्या ही बताऊँ कितना कीचड़ भर जाता है अभी शनि बाजार में, देखते कीचड़ भरा होगा ना, तुम्हें शनि बाजार का व्यू और दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं शनि बाजार। और भाई तुम्हें दिखाता हूँ शनि बाजार का व्यू, मानोगे भाई कमर से ऊपर ऊपर पानी, देखो भाई पूरा ट्रैक्टर डूब रखा भाई, देखो ट्रैक्टर डूब रखा भाई, ये तो निकल भाई, देखो बच्चे बच्चे देखो कहाँ कहाँ तक तैर रहे हैं भाई, ये देखो शनि बाजार कहते हैं भाई, शनि बाजार आ रहा था तब तो शनि बाजार का व्यू दिखा दिया भाई। शनि बाजार के साथ साथ व्यू देखो तुम होली चौक का भाई साहब, फुल बिकट हो रखा भाई मामला, फुल बिकट देख रहे भाई कहाँ कहाँ तक पानी भर रखा है, जाम ही जाम है भाई। भाई मिलते डायरेक्ट ऑटो, कैसे आ रहा फुल बातचीत में, ये 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 देखो कितना कितना पानी भर रखा भाई आगे तक, आहा ये देखो भाई गाड़ी का वाइजर तक पानी आ रखा भाई, ये देखो भाई कहाँ कहाँ तक पानी है भाई, फुल माहौल गीला हो रखा भाई बारिश में, फुल माहौल गीला। तो भाइयों इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं बाहर रोड पे। अभी तो भाई बहुत विपिन भाई को भी डिस्टर्ब हो रहा है यार, बाइक चलाने में क्योंकि बहुत ज्यादा जाम है, देखो कामा का ऐसे उड़ते उड़ते आते हैं और ऐसे लड़ जाते हैं, संगम विहार की पहचान है भाई ये, कामा का लाइट बाजी, कामा का लाइट बाजी, कोई थप्पड़ अप्पड़ मार देगा फिर कहेंगे तूने मुझे मार दिया, तूने मुझे मार। कोई नहीं, इसी बात चलते हैं बाहर, बाहर भी देंगे भाई, बहुत जाम है भाई, बहुत जाम। भाई होली चौक से तो आ गए, अब देखो भाई यहाँ का साइलेंसर पूरे पूरे डूब रहे हैं गाड़ियों के, देखो अपनी धन्य भी देख लो कुछ किस प्रकार डूबी पड़ी है, साइलेंसर जरा सा ऊपर है बस, मानोगे नहीं भाई बहुत पानी भर रहा है हर जगह पानी। अब यहाँ से निकलने की सोच रहे, पता नहीं कब निकलेंगे, मेन रोड पर पहुँचे बस एक बार। सुकून मिला, देखो पूरी पूरी बसें डूब रखी है भाई, ओ भाई साहब इधर देखो भाई पूरा कैड़ा जाम देख रहे हो भाई, बोल बातचीत में इसे कहते हैं बोल बारिश के मौसम, सावन के मजे आ रहे हैं सावन के, फुल पैक पड़ा माहौल। अब जल्दी जल्दी यार मेन रोड पे पहुंच गए हैं, अब शूट तुम्हें कैसे दिखाऊं भाई, ऐसे में क्या ही दिखा पाऊंगा, जल्दी जल्दी देखो रास्ते में अगर मौका मिलता है तो शूट करते हैं, वरना सीधा चलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मिल के मिलते हैं भाइयों ना। भाइयों मैं तुम्हें दिखाऊं कि जहाँ से हम आए वहाँ तो कुछ ही पानी नहीं था भाई, अभी अंदर मेन रोड में तुम मानोगे नहीं, देखो भाई पूरे आधे आधे पेड़ डूब रखे हैं भाइयों, ये देखो भाई
पूरी पूरी गाड़ियां डूब रखी है भाइयों, देखो कितना कितना गंदा सीन हो रखा है भाई, देखो पब्लिक कितनी परेशान है भाई, बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ रही है गाड़ी, देखो साइलेंसर अभी तो है जिंदा। फाइनली विपिन भाई की बहन जिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो हम आ गए हैं येरा मारेंगो एशिया हॉस्पिटल, येरा भाई फरीदाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वो रहे विपिन भाई। गाड़ी कर दिए पार्क, अब हमारी माता जी आ रही हैं, वो बताएंगे हमें कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना, तो भाइयों मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। वो कर दी धन्नो पार्क अपनी ये गाड़ी, और यहाँ से एंट्री है इमरजेंसी में, चलते हैं अंदर फिर बात करते हैं। तो भाइयों आ गए हैं हम हॉस्पिटल के अंदर, ये रहे हमारे विपिन भाई और ये माता जी हमको लेने आई थी बाहर इमरजेंसी के, और हमें पता नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। तो अभी चलते हैं भाइयों सीधा ब्लड सेंटर, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ब्लड डोनेट तो करना ही है यार। मिलते हैं भाइयों सीधा ब्लड सेंटर पे जाके। तो फाइनली ब्लड सेंटर आ गए, विपिन भाई अंदर गए, हम भी चल रहे हैं। मैंने तो भाई अपना फॉर्म फिल कर लिया है, विपिन भाई फिल कर रहे हैं, अब हम दोनों का चेकअप होगा कि कैसे क्या है, कोई इशू तो नहीं है बॉडी के अंदर, मिलते हैं। तो भाई अभी तो फिलहाल में हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर, तो पता है क्या सीन हुआ कि मेरा तो ब्लड ठीक है, मैं तो डोनेट कर सकता हूँ, मगर मैं कल कर सकता हूँ कल सुबह 9 बजे या 10 बजे आगे। विपिन भाई का भी पॉजिटिव था, मैच हो रखा था बिल्कुल, बट क्या है ना कि उनकी ना विंस दोनों हाथों की मैच हुई, और वो इसलिए मैच हुई तो इस चक्कर में रिजेक्ट हो गया, बट कोई नहीं वो भी डोनेट कर सकता है, बट अब कल ही होगा जो होगा। अभी तो फिलहाल में और डोनर देखने जा रहे हैं हम, सारे दोस्तों से फ़ोन वोन कर लिया है हमने, सबसे बातचीत कर ली है कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, तो सबने बोला कि भाई हम तो तैयार हैं, आ जाओ फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी जा रहे हैं अपने दोस्तों से मीटअप करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, बट डोनेट तो ब्लड भाई कल ही हो सकता है, उन्होंने तो साफ बोल दिया मेरे कि चला ना 9 या 10 बजे के बीच में डोनेट कर सकते हो, फिर भाई का भी कुछ ऐसे मैटर है। तो भाइयों हॉस्पिटल से आ चुका हूँ मैं घर, और भाई बहुत थक गए रास्ते में क्योंकि बारिश से तुम्हें पता ही है कितना था, बहुत बारिश हुई है, बहुत पानी भरा है, और हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल में आज उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली है। थोड़ा ना विपिन भाई के वीन्स का लफड़ा पड़ गया क्योंकि प्लाज्मा के लिए दोनों हाथों की वीन्स होनी जरूरी है, क्योंकि एक हाथ से ब्लड निकलेगा और एक हाथ में जाएगा, तो इसलिए विपिन भाई की वीन्स का थोड़ा लफड़ा हो गया। तो वीन्स जिसकी ठीक हो उसे ढूंढ रहे हैं अभी फिलहाल में, वो मिल जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप लोग ब्लड सुबह दे सकते हो कल आके 9 या 10 बजे करीब, तो हम लोग तो कल ही जाएंगे और कल सारे दोस्तों को भी इकट्ठे करेंगे, कौन कौन जाएगा देखते हैं यार, किसी से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। मिलते हैं भाइयों अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ के साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना भाइयों, ताकि जो भी मेरा नया ब्लॉग आए वो सबसे पहले आपके पास आए। और इसी के साथ भाइयों करते हैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए मस्ती नए फन के साथ, टाटा बाय बाय।